एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सोल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इट इज अराउंड 5:10 इन द मॉर्निंग और ये एक वो बिजी डे था व्हेन आई हैव टू टैकल सो मेनी थिंग्स। विकास को भी आज कैम्ब्रिज जाना है तो मेरा ऑफिस भी है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है एंड सो मच मोर। इस तरह के टास्क जो कहीं काउंट भी नहीं होते हैं। सो सेम स्टोरी ऑफ एवरी होम मेकर। एवरी डे हम बहुत सारे काम करते हैं और कई बार कुछ लोग उसको रिकॉग्नाइज भी ना करके बहुत ही ज्यादा जजमेंट पास कर देते हैं। वेल, हमें अपना मोटिवेशन हाई रखना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली निभानी है ताकि रात को जब हम सोने के लिए जाएं तो हमें सुकून की नींद आए कि हमने कितना कुछ आज अकम्प्लिश किया है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सुबह आई हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन करके और आज मैंने सिर्फ 10 मिनट का ही ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं था। आके थोड़ा सा पानी कर लिया है ग्लास में, सिप सिप करके पीती रहूँगी और साथ ही कैटल में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है क्योंकि विकास के लिए मुझे लंच बॉक्स भी बनाना है। विकास और अद्वी दोनों को ही मैं सेम देने वाली हूँ तो इसी तरह की रेसिपीज चूज करती हूँ इस बिजी डे पे जो मैं आसानी से बना सकूं और क्विकली बन जाएं। तो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप एक बार क्लीन कर लिया है, हालांकि यहाँ पे कॉकरोचेस वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं बट इट इज अ हैबिट। इसके बाद पास्ता निकाल के लाई हूँ पेंट्री से क्योंकि आज मैं उनको चीज पास्ता देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले पास्ता बॉईल कर लेते हैं। वैसे तो इजी मेथड है कि आप प्रेशर कुकर में इनफ पानी डाल के और एक विसिल लगा लें, लेकिन कई बार ना वो थोड़ा ज्यादा गल जाता है एंड विकास इज वेरी पिकी ईटर और आई वुड से अद्वी इज आल्सो वेरी पिकी ईटर, दे बोथ आर सेम। तो उनको ये लगता है कि बहुत ज्यादा गल जाता है और फिर वो पसंद नहीं आता है, तो मैं इसीलिए ओपन पोट में ही इसको बॉयल करती हूँ। कभी कभी बहुत जल्दी होती है तो प्रेशर कुकर में होता है बट आई हैड इनफ टाइम। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड करा है और कैटल में पानी जो बॉईल किया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और मैं ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और पानी उबला हुआ था ही तो मैंने वही पैन में डाल दिया है। चाय एक्स्ट्रा बनाने वाली हूँ क्योंकि कैम्ब्रिज तक विकास की 3.5 घंटे की ड्राइव हो जाती है तो थोड़ी सी चाय मैं उनको पैक करके भी दूंगी, रास्ते में वो सिप सिप करके पी सकते हैं तो क्योंकि साथ में कोई नहीं होता है तो जगाने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं और फिर वो बीच में स्टॉप भी नहीं लेते हैं, लगातार चलते ही रहते हैं। तो चाय चढ़ा दी है, साथ ही ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज भिंडी की भुजिया बनाने वाली हूँ। तो भिंडी मैंने निकाल दी है और साथ ही यहाँ पे चाय अच्छे से उबल गई थी तो उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है। भिंडी मैंने जब क्लीन करी थी, लाइक लेकर आई थी, स्टोर की थी, तो मैंने वॉश नहीं की थी, बस ऐसे ही इनको रैप कर दिया था क्योंकि लगता ही है कि कहीं खराब ना हो जाए मॉइस्चर लेके। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने ड्राई होने रख दिया है। मीनवाइल मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए डो बना लूंगी। तो मैंने 1 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है, 1 कप चने का आटा लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और इसके बाद मैंने इसमें पालक की प्योरी ऐड कर दी है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि आजकल मैंने रूल बनाया है कि रोटी को मैं प्लेन नहीं बनाऊंगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर मैं ऐड करूंगी जिससे रोटी की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो ये प्योरे मैंने बनाई थी लास्ट रीसेट व्लॉग में, आपने देखा ही था। तो कुछ मैंने पालक पनीर में इस्तेमाल कर ली थी और कुछ इस तरह से मैंने रोटी के आटे में लगा ली है। और क्योंकि ये चने का आटा जो है वो बहुत ज्यादा टाइट सा होता है तो इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना पड़ता है तभी रोटियां इसकी मॉइस्ट बनती हैं, अदरवाइज बहुत कड़क कड़क रोटी बनती हैं और फिर वो खाने में मजा नहीं आता है। तो मैंने जितनी प्योरे थी सारी डाल के और इसका लूज सा आटा तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है इसीलिए मैंने हाथ से बना लिया, अदरवाइज मैं स्टैंड मिक्सर में ही आटा बनाती हूँ। तो डो हमारा तैयार हो गया है और पास्ता भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। अल्दांते ही करना है इसको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉईल कर लें। और ये जो मेरा पैन है ये मैंने प्रो कुक
का लिया था, आई थिंक टेस्को पे ही अवेलेबल था उस टाइम में, और इसमें ना इस तरह से चीजें छानने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि इसमें जाली बनी हुई है, तो अलग से आपको कोई भी स्ट्रेनर लेने की जरूरत नहीं है। और जाली भी दो टाइप की है, बारीक और मोटी। तो पास्ता होता है तो मोटी तरफ से छान देती हूँ, राइस अगर इसमें बनाती हूँ तो बारीक की तरफ से। तो पास्ता हमारा जो है वो अच्छे से मैंने ड्रेन कर लिया है और उसको मैंने थोड़ा कवर करके रख दिया है, थोड़ा सा वो स्टीम में हो जाएगा। इसके बाद जो भिंडी है इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छे से ड्राई हो गई है। तो इसकी हेड एंड टेल मैंने निकाल दी है और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्लांटेड वे में कट किया है। देखने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट में तो ऐसा नहीं कि कुछ फर्क आएगा, बस वही है कि चीजें जब आपको देखने में सुंदर लगती है ना तो वो खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए पहले पास्ता बना लेते हैं, और ये जीरो ऑयल रेसिपी है पास्ता की। तो यहाँ पे मैंने स्टोर बोट ही जार यूज करे हैं टोमेटो एंड चिली पास्ता सॉस के। विकास और रद्वी दोनों को ही ये बहुत पसंद आता है। आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ पास्ता, बट वही है कि जब बनता है तो थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ क्योंकि अपने लिए अलग से बनाने का टाइम होता नहीं है, और सच कहूँ तो मोटिवेशन भी नहीं होता कि अलग से कुछ बनाओ। अच्छा, जो जार थे उनमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रिंस करके ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने मिक्स्ड हर्ब्स इसके अंदर ऐड करे हैं, थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाला है क्योंकि सॉस जो है वो थोड़ी सी मुझे ब्लैंड लगती है। गार्लिक ग्रेन्यूल्स मैंने ऐड करे हैं। अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसमें चॉप्ड गार्लिक को सौते कर लें और उसके बाद बाकी का ये प्रोसेस करें। वैसे अगर इस तरह से गार्लिक पाउडर या ग्रेन्यूल्स हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और तुरंत फुरत ये पास्ता डन हो जाता है। तो इसको मैंने कवर करके 2-1 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मैं इसमें चीज ऐड करूंगी। बेक पास्ता बनाती हूँ और ताजा ताजा हम खा रहे होते हैं तो फिर मैं इसमें मोजरेला चेडर चीज ऐड करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये देना है तो इसीलिए मैंने इसमें चीज स्लाइसेस ऐड करी हैं। तो इससे वो स्ट्रिंग पुल नहीं होता है लेकिन क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत दूध भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से मैंने पास्ता चैनल पे दिखाया हुआ है और आई होप आपने वो वीडियोस देखी भी होंगी। तो ये देखिए, 2-1 मिनट कवर करने के बाद हमारा जो पास्ता है वो डन हो गया है। और सॉल्ट जो है वो बस मैंने उबलने में ही डाला था, बाकी पास्ता सॉस के अंदर होता है, चीज के अंदर भी होता है, इसीलिए मैंने और सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया। तो लंच बॉक्स के लिए रेसिपी रेडी है। अब फटाफट नाश्ते के लिए भिंडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन, मेथी दाना और जीरा ऐड किया है। इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे, इसके बाद हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्लाइस की हुई अनियन इसके अंदर ऐड कर दी है और इस अनियन को हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे, लेकिन हमें इसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस ये ट्रांसलूसेंट सी हो जाए। तो यहाँ पे भुजिया के लिए बिल्कुल प्याज हो गई है जैसी मुझे चाहिए थी। इसके बाद मैंने इसके अंदर भिंडी ऐड कर दी है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने दिनों के बाद फ्रेश भिंडी बना के बड़ा ही मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनी थी। अदरवाइज फ्रोजन से ही काम चलाना पड़ता है, वो थोड़ी सी स्लाइमी हो जाती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी ट्रिक्स उसके साथ करें, क्योंकि गीलापन तो रहता ही है ना क्योंकि जब आप उसको फ्रीज करते हैं। यहाँ पे मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। इसके बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और हाँ, भिंडी को कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी या इस तरह से भाप लग जाती है ना तो फिर ये वही स्टिकी सी और तार छोड़ने लगती है। तो इसको अच्छे से खुले पॉट में ही भूनना है हमें, और जब लगे कि हाँ ये 80% डन हो रही है तब आप इसके अंदर सॉल्ट और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर दें। आप चाहे तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, बट अमचूर पाउडर के रिजल्ट ज्यादा बेटर है, खट्टापन भी आता है, और अगर इन केस भिंडी जो है वो तार छोड़ रही है तो वो भी सब एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही खिली खिली भिंडी आपकी तैयार होती है। तो ऑलमोस्ट भुजिया यहाँ पे डन है। इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दिया है, हरा धनिया। अगर आपके घर में सब अच्छे से खाते हैं तो ढेर सारा हरा धनिया इसमें ऊपर से जरूर डालें, उसकी खुशबू भी, उसका लुक भी और टेस्ट भी, ओह माय गॉड दैट्स ऑसम। तो बस देखते ही देखते हमारी भुजिया जो है भिंडी की वो तैयार हो गई है।
हार्डली 5 to 6 minutes लगते हैं सब्जी को रेडी होने में। अब चलिए फटाफट यहाँ पे रोटी भी तैयार कर लेते हैं, और ये आमंड्स हैं जो मैंने रात को सोख करके रखे थे, तो अभी मैं विकास को दे दूंगी, जब तक रोटी सिकेगी वो पील कर देंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ फिर बच्चे खाएंगे। और रोटी जो है वही नॉर्मल आपको इस तरह से बनाते हैं पलूथन लगा के, और फटाफट सेक लेनी है। पराठे भी बना सकते हैं बट हम रोटी ज्यादा प्रेफर करते हैं, पराठा तो कहीं 2-3 हफ्ते में एक बार जाके कुछ बनता है। तो चलिए लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। तो सबसे पहले विकास के लिए मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि वो बस निकलने ही वाले हैं, ब्रेकफास्ट उनका हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पास्ता दिया है उनको, और ग्लास बोल में ही रखा है क्योंकि उनके कैबिन में माइक्रोवेव वगैरह सारी चीजें हैं, तो वो आराम से इसको वार्म कर लेंगे। अदवी को मुझे हॉट केस में देना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के पास वो फैसिलिटी होती नहीं है। और इसके साथ ही फ्रूट्स में मैं उनको देने वाली हूँ आज ग्रेप्स, और कभी कभी मैं बनाना या एप्पल होल भी रख देती हूँ इनकेस ड्राइविंग के टाइम पे उनको भूख लगे तो वो ग्रैब करके थोड़ा बहुत खा सके। तो सेफली ड्राइव करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, तो इतना तो ऑब्वियसली ड्राइवर ध्यान रखता ही है कि किस चीज से उनको इजी रहेगा। तो मैंने ग्रेप्स अच्छे से वॉश करके पैक कर दिए हैं, और यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय भी मग में डाल दी है, और ये मग, ओ माय गॉड, इट इज सुपर अमेजिंग। मेरी फ्रेंड सिल्की ने मुझे दिया था, थैंक यू सो मच सिल्की, एंड इट इज हेल्पिंग अ लॉट। पहले मैं डिस्पोजेबल कप लेकर आती थी विकास के, क्योंकि 2 कप ऑलरेडी इस तरह के विकास खो चुके थे, उसके बाद मैंने कहा ये तो बस वेस्ट ही करते हैं, तो मैं डिस्पोजेबल लाने शुरू कर दिए थे। खैर ये वाला वो संभाल के रख रहे हैं क्योंकि उनकी साली ने दिया है। और बस यहाँ पे जो लंच है वो मैंने उनका लंच बैग में कर दिया है। फोक जो है वो मैंने टिश्यू पेपर में रैप करके रख दिया है, वैसे उनको टिश्यू पेपर ऑफिस में मिलता ही है, रखा ही होता है हमेशा, बट स्टिल आई पैक फोक इनटू दैट। और मैंने एक ये टूथपिक भी रख दी है ग्रेप्स के साथ, इन केस अगर उनको टूथपिक से खाना हो। तो यस, लंच बॉक्स इज ऑल रेडी, ब्रेकफास्ट इज डन, और चलिए अब चलते हैं, विकास को सी ऑफ करके आते हैं और उसके बाद बाकी के काम पे लगते हैं। तकरीबन 6:30 बजे हैं, और 6:30 विकास निकल जाते हैं। टारगेट यही होता है कि 10 बजे तक वो कैम्ब्रिज पहुंच जाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही उनका जाना होता है। 2 दिन अगर उनका होता है तो फिर वो नाइट स्टे वहां पे कर लेते हैं, 2 दिन लगातार काम कर लेते हैं, पर जैसे 1 दिन का ही होता है तो 10 बजे तक वहां पहुंचे, फिर वहां से वो 5 बजे के करीब निकलते हैं, तो उनको होल विंडो मिल जाती है अपना लैब वर्क करने का भी, और ऑफिस का भी जो कुछ पेपर वर्क होता है, जैसे कहीं सिग्नेचर है या कुछ भी है, या कोई ऑर्डर आया है उसके ऊपर विकास के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो ऑल थिंग। तो इसी तरह से काम चल रहा है। और अब थोड़ा सा मेरे पास 5 मिनट थे, तो यहाँ पे मुनक्का और एक अंजीर, ये मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, और सुबह को ये पानी पीती हूँ, और साथ ही इनको मैं खा भी लेती हूँ, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, और जो मुझे वो ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही थी ना वो बहुत सॉर्ट हुई है इससे। और विकास के जाने के बाद किचन की हालत ऐसी है, काउंटर टॉप मैंने सब क्लीन कर दिया है, बर्तन अभी सिंक में है। तो बस लगे हाथ मैंने यहाँ पे अज्जी का भी लंच बॉक्स पैक कर दिया है, तो पास्ता मैं उसका इस तरह से इस हॉट केस में देती हूँ, और ये मैंने कॉस्को से लिया था बॉटल, और इस केस का आई थिंक थर्मोस ब्रांड का है, बहुत अच्छा रहता है। पहले मैं इसमें गर्म पानी डाल के रखती थी, फिर आप में से ही किसी ने मुझे बताया कि दीपिका इसमें जरूरत ही नहीं होती, इसमें ऑलरेडी गर्म रहता ही है, तो गर्म गर्म पास्ता मैं इसमें रख देती हूँ, और उसके लंच टाइम तक बहुत अच्छा रहता है। एक मैंने बेल्जियन वेफल रखा है, स्वीट में उसके लिए जूस रख दिया है, और फ्रूट में मैंने आज बनाना रखा है। बेल्जियन वेफल अभी विकास कुछ दिन पहले बेल्जियम गए थे फिर दोबारा से, तो वहां से लेकर आए थे, कुछ 2 दिन की ही ट्रिप थी उनकी। इसके बाद पानी में मैं ग्लूकोज ऐड करके दे रही हूँ अदबी को, उसने पानी पीना ना स्कूल में बिल्कुल ही छोड़ दिया था एक्चुअली, तो अब मैं कुछ ना कुछ एसेंस उसमें ऐड कर देती हूँ, कभी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, कभी मैं उसमें एप्पल कट करके डाल देती हूँ, कभी लेमन स्लाइस डाल देती हूँ, तो ना थोड़ा सा फ्लेवर्ड हो जाता है, तो अब वो पानी पी के आने लगी है। सो इट इज अनदर ट्रिक फॉर यू गाइज, अगर आपके बच्चे भी स्कूल में पानी नहीं पी रहे हैं। तो नीचे का काम ऑलमोस्ट डन है, अब बस मैं ऊपर आई हूँ, अदवी को उठाऊंगी, उसकी यूनिफॉर्म मैंने निकाल दी है, वैसे मैं रात को निकाल के रखती हूँ बट उसके ड्रॉर में ही रहती है, अभी मैंने टेबल पे रख दी है।
और उसको उठाऊंगी, शी विल टेक लाइक 10 to 15 minutes, उसको दो बार उठाना ही पड़ता है. एंड आई नो सुबह की जो ये नींद होती है ये बहुत प्यारी होती है. और ईवी मैडम हमारी अभी भी सोई हुई है और फोन मेरा साइड में यहाँ रखा हुआ है. तो बस ईवी सो रही है, अभी को मैंने आवाज लगा दी है तो वो 15 मिनट सेटल होगी. मीन वाइल मैं यहाँ पे शावर ले लूंगी, क्योंकि बाद में फिर ईवी के साथ जब मैं अकेली रह जाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है. और बस ये टाइम है अब ईवी को भी उठाने का. अद्वी भी उठ चुकी है तो अभी मैं थोड़ा सा घर ऊपर टाइडी कर दूंगी, उसके बाद फिर अद्वी का स्कूल ड्रॉप होना ही है. तो सुबह उठते हैं तो बस कुछ भी नहीं छेड़ते यू नो बेडरूम में, क्योंकि लगता है कहीं ईवी ना उठ जाए. तो जब वो इस तरह से सोई रहती है सारा काम आराम से हो जाता है, देन इट्स गुड. समटाइम्स जब मुझे जल्दी उठना होता है वो भी साथ उठ जाती है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत मुझे होती है टाइम मैनेज करने में, क्योंकि वो आके कभी किचन का कोई कबर्ड खोल देगी, कभी ये बर्तन निकाल देगी, तो तूफान मचा के रखती है. और अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में दिखाया था इसी तरह से बेड सेट करते हुए, किसी ने कहा था दीपिका 8 pillows कौन रखता है बेड पे. देन आई वाज लाइक जिनको हर चीज डेकोरेट करने का शौक होता है ना वो जरूर रखते हैं, बाकी अपनी अपनी चॉइस है. और अद्वी जो है वो अपना रूम टाइडी कर देती है, तो उसने अच्छे से अपनी डूबे वगैरह रख दी थी, बस वो ये कि फिटेड शीट वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाती है, तो वो मैंने क्लीन कर दी है. और रात वो नीचे बैठ के कुछ लिख रही थी, पढ़ रही थी, तो बाय मिस्टेक उसने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था. तो पेन हमें आजकल जो है वो बहुत सहेज के रखने पड़ते हैं, क्योंकि ईवी को जहाँ पेन मिला और वो हर जगह ड्राइंग कर देती है. और बस इस थोड़ी सी खटर पटर में ईवी मैडम भी यहाँ पे उठ गई है. और अगर वो सोई भी रहती है तो भी इस टाइम पे मैं उसको उठा देती हूँ, क्योंकि जितना लेट तक सोएगी फिर दोपहर को नैप भी उसकी उतनी लेट होगी, और फिर जब नैप उसकी लेट होगी तो फिर वो रात को देर से सोएगी, तो सब कुछ हौच पोच हो जाता है. सो आई लिटरली ट्राई टू फॉलो सम रूटीन विद हर एज वेल. तो अभी वो थोड़ा आलस में ही है, मैंने यहाँ से ब्लाइंड हटाए हैं और सामने से कोई अपने डॉग को लेके जा रहा था. आई वाज लाइक ईवी लुक देयर इज द डॉग, एंड शी वाज सो हैप्पी लुकिंग एट डॉग. और बस इसके बाद अद्वी को मैंने ब्रेकफास्ट दिया, जो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. और उसने ब्रेकफास्ट में बटर ब्रेड और साथ में दूध लिया है, और मैंने भी अपनी चाय अभी उसी के साथ ली है. इसके बाद उसके बाल बना दिए हैं और बस अपने आप को भी अभी थोड़ा सा रेडी करके हम लोग निकलेंगे, मैं और ईवी. और तब तक अद्वी नीचे तैयार होकर आती है, तब तक मैं ईवी की नैपी वगैरह चेंज कर देती हूँ. उसकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है, नैपी हटा के उसको एक बार मैं टॉयलेट सीट पे बिठाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम शी डज, बट उसके बाद फिर नैपी पे नहा देती हूँ और उसको फिर मैं मिल्क फीड करा देती हूँ. और बस फिर अद्वी का ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद रेडी हुए और अब हम लोग निकलेंगे अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए. सो ईवी इज ऑल सेट इन द प्राम एंड अद्वी इज रेडी एज वेल. और बस अब आधे घंटे की वॉक करने के बाद हम आ गए हैं घर. और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीपिका आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाती, एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं अद्वी के स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ आधा घंटा मैं वॉक ही कर रही हूँ इंक्लूडिंग पुशिंग प्राम. और वो पर्टिकुलर वीडियो थी जिसमें लिटरली मैं अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने जा ही रही थी. तो दिन में एक चक्कर तो मेरा होता ही है, या तो उसको पिक करना या फिर उसको ड्रॉप करना, और इतनी वॉक मेरे लिए इनफ है. इवनिंग वॉक में अपनी छोड़ती नहीं हूँ, डिनर के बाद अगर मैं कर रही हूँ तो मैं बाहर वॉक जरूर करती हूँ, बट हाँ अपने बैक गार्डन में. ऑलराइट, तो अभी ईवी के लिए मैंने टीवी ऑन कर दिया है तो वो थोड़ी देर अपना स्क्रीन टाइम एंजॉय कर रही है. मीनवाइल मैं किचन को अच्छे से यहाँ पे टाइटी कर दूंगी. तो सब बोल्स वगैरह ऐसे ही रखे थे तो पास्ता मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और आज लंच में मैं और ईवी हम दोनों पास्ता ही खाने वाले हैं. अद्वी का रिवर्स हो जाता है, जैसे वो स्कूल में पास्ता खाएगी तो स्कूल से आने के बाद वो भिंडी की सब्जी और रोटी खाएगी. रोटी मैं उसकी ताजी उसी टाइम पे बना दूंगी, क्योंकि जो गोचनी की रोटी होती है वो रखी हुई अच्छी नहीं लगती है, तो वो मैं तभी उसके लिए 2-3 फुलके साथ ही बना दूंगी. और भिंडी देखिए इसका फाइनल लुक दिखाना मैं भूल गई थी, पैक कर रही थी अब इसको फ्रिज में रखने के लिए, तो देख लीजिए बहुत ही डिलीशियस बनी है. तो सारी चीजें मैंने फ्रिज में रख दी हैं. इसके बाद मैंने डिशवॉशर एम्प्टी किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो सुपर लॉन्ग हो जाती है.
और उसके बाद जो बर्तन हाथ से धुलने थे वो मैंने हाथ से धुल दिए और फाइनली अब मैं यहाँ पे किचन जो है वो अच्छे से स्प्रे क्लीन कर दूंगी। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले, मुझे ब्रांड का नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये स्प्रे लिया था और उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। हालांकि जब मैंने वो अनबॉक्स किया था ना तब मैंने आपको दिखाया था, मैं डिटेल दे दूंगी क्योंकि आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था कि दीपिका ये कैसा निकला, तो ये बहुत अच्छा निकला है और डीग्रीजर का काम भी बहुत अच्छे से करता है, डेली की क्लीनिंग के लिए परफेक्ट है और सेंट इनके बहुत अच्छे हैं और अफोर्डेबल रेंज का भी है, तो मेथड से तो काफी चीप पड़ता है ये। तो यहाँ पे सब कुछ स्प्रे करके एक बार मैं पूरा काउंटर टॉप और सारी किचन अच्छे से क्लीन कर दूंगी और किचन रात तक के लिए मेरी बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। बस अदवी के लिए दो फुलके ही बनाने हैं, वो कई बार मैं रोटी मेकर में भी बना देती हूँ, तो मेरा गैस स्टोव और काउंटर टॉप सब कुछ जो है वो शाम तक अब क्लीन रहने वाला है। और थोड़ा बहुत स्प्रे क्लोथ के ऊपर आ ही जाता है तो बस उसको मैंने साथ के साथ पैंट्री यूनिट के ऊपर भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर ना हाथ के काफी निशान पड़ते हैं और ईवी की रीच में भी ये रहती है तो उसके भी हाथों के निशान बहुत पड़ते हैं, तो उनको मैं क्लीन कर देती हूँ। बट समहाउ आई फील कि वो इतनी जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है, कुछ दिनों बाद ये हाथ मैं मिस करने वाली हूँ, जो चुटके चुटके से हाथ चारों तरफ लगे होते हैं, पहले से ही इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। ओ माय गॉड, टाइम इज जस्ट फ्लाइंग। वेल, ये सब कुछ क्लीनिंग होने के बाद अब ईवी का हो जाता है ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट में सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे फ्रूट देती हूँ और मोस्टली यही उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है, किसी किसी दिन मैं उसको थोड़े से फिर बाद में सीरियल्स भी खिला देती हूँ, बट हाँ इसी तरह का ब्रेकफास्ट होता है। तो उसको मैंने बनाना जो है वो पील करके और इस तरह से कट कर दिया है, कई बार वो खुद से उठा के खा लेती है, कई बार मैं उसे खिला देती हूँ, और किचन मेरी ऑल नीट एंड क्लीन एंड आई एम सेइंग हाय अगेन फ्रॉम द बैक स्प्लैश। और अब चलिए चलते हैं ईवी के पास, तो देखो कि बिल्कुल जैसे बड़े लोग होते हैं ना, आराम से बैठ के बिल्कुल इंजॉय करके वो यहाँ पे अपना टीवी देख रही थी, तो ऐसा ऐसा टाइम जो है वो कभी ही देखने को मिलता है, अदरवाइज पूरे लिविंग रूम का सामान इधर उधर होता है, और जब तक वो अपना बनाना फिनिश नहीं करती है तब तक मैं उसके साथ ही बैठी रहती हूँ, तो मेरा भी वो एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है 15-20 मिनट का, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठे ये टाइम हो जाता है। और बस अब नीचे का जो फ्लोर है वो मुझे क्विक टाइडी करना है, साथ ही मुझे वैक्यूम करना है, ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आज वैक्यूम नहीं करूंगी। आज क्या ऊपर वाले फ्लोर पे मोस्टली विकास ही वैक्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं बहुत ज्यादा देर तक वैक्यूम कर नहीं पाती हूँ, तो इस तरह से हमने अपना काम जो है वो बांट रखा है, तो ऊपर भी एक वैक्यूम है तो विकास ऊपर वैक्यूम कर देते हैं, और पहले ऑल्टरनेट डे मैं मोप किया करती थी बट अब पिछले 2 महीने से मैंने तो खैर मोपिंग की ही नहीं, विकास ही करते हैं, तो हफ्ते में 2 बार वो कर देते, एक तो फ्राइडे को उसके बाद मंडे को, क्योंकि वीकेंड पे हम इतना ज्यादा क्लीनिंग की तरफ ध्यान देते नहीं है, वी एंजॉय फैमिली टाइम और बिल्कुल ना घर इधर का उधर हो जाता है, तो मंडे को प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, तो फ्राइडे और मंडे आजकल मोपिंग डे हो रहा है। फ्राइडे फिर लक्ष्मी माता की पूजा भी होती है शाम को, तो उस दिन घर को हम बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं, कई बार मैं फ्राइडे का हवन भी कर लेती हूँ। तो यस, यहाँ पे ईवी को मैंने हाई चेयर पे बिठा दिया था, नीचे वाले फ्लोर पे ही हूँ, उसको देखती भी रहूंगी और साथ साथ बिना किसी भाग दौड़ के, अदरवाइज वो कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, कभी ये दरवाजा खोलती है कभी कुछ करती है, तो उसको इस तरह से बैठा के उसका टॉय दे के और मैं नीचे पूरे फ्लोर पे अच्छे से वैक्यूम कर दूंगी। तो यस, यही भाग दौड़ वही मोनोटोनस रूटीन है हमारा, लेकिन अगर उसको हम एक्साइटेड होके हैप्पी होके करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, अदरवाइज अगर हम लोगों की जजिंग के ऊपर ध्यान देने लगे कि अरे तुम तो वर्क फ्रॉम होम करती हो ना इसीलिए अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाती हो, अरे तुम तो बस घर पे ही रहती हो ना इसीलिए घर को कर पाती हो, और अगर बाहर ऑफिस जाती हो घर का कुछ काम रह जाता है, अरे बाहर काम करती है ना इसी वजह से तो घर को मैनेज नहीं कर पा रही है, और अगर दोनों काम आप परफेक्टली कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं और घर भी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, सभी लेडीज तो करती हैं, तो ईदर वेज आपको जज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट
आपको क्या करना है, आपको अपने काम से काम रखना है, हैप्पीली अपनी फैमिली को सर्व करना है, एग्जर्ट नहीं करना है और बस तसल्ली से अपनी लाइफ जीनी है। और सुबह 4:45 बजे से उठे अब 10:30 बजे ये पहला निवाला मुंह में जाता है सुकून का। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ बस होम मेकर्स करती ही क्या है, तो अगर एक दिन वो होम मेकर काम ना करे ना तो पूरा घर इधर का उधर हो जाएगा। सो नेवर अंडर एस्टिमेट एंड नेवर जज अ होम मेकर। तो इसी पॉइंट के साथ एंड करती हूँ आज के ब्लॉग का। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।